वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। जब तक जेल में रहे उन्होंने तो इतिहास रचने का काम किया है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे जेल में रहना और इस्तीफा नहीं देना, यह ऐसा आज तक जो है से भारत के संविधान में नहीं था। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो और जेल के अंदर में भ्रष्टाचार के मामले में बंद हो और वो इस्तीफा न दे, ये अपने आप में मिसाल जो है से अरविंद केजरीवाल ने कायम करने का काम किया है। इतिहास जो है से उसको कभी माफ नहीं करेगा और न देश की जनता माफ करेगी न दिल्ली की जनता माफ करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखिए इस्तीफा देंगे और इसको लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में लगातार अतीशी का नाम सामने निकल के आ रहा है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से जुड़ेंगे। बात करेंगे प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं इसको कैसे देखें? कोई फायदा नहीं वो इस्तीफा से, वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। जब तक जेल में रहे उन्होंने तो इतिहास रचने का काम किया है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे जेल में रहना और इस्तीफा नहीं देना, यह ऐसा आज तक जो है से भारत के संविधान में नहीं था कि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो और जेल के अंदर में भ्रष्टाचार के मामले में बंद हो और वो इस्तीफा न दे, ये अपने आप में मिसाल जो है से अरविंद केजरीवाल ने कायम करने का काम किया है। इतिहास जो है से उसको कभी माफ नहीं करेगा और न देश की जनता माफ करेगी न दिल्ली की जनता माफ करेगी। दिल्ली की जनता ने इसलिए लोकसभा के चुनाव में सातों सीटों पर पराजित करने का काम किया, जबकि कोर्ट ने तो उनको जो है से उस समय 15 दिनों का बेल दिया था कि आप जाइए प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और दिल्ली की जनता ने उनकी बेगुनाही को मानने से इनकार कर दिया और उन लोगों ने मोहर लगा दिया सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके कि ये अरविंद केजरीवाल ये दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आज जब जो उनको बेल मिला है और बेल मिला है तब शर्तों के साथ मिला है, कोई सरकारी कार्य नहीं कर सकेंगे, सरकारी ऑफिस में नहीं जा सकेंगे, कोई किसी प्रकार का जो है से बयान इस भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर नहीं दे सकते हैं, और तब जो है से इस्तीफा करने का काम उन्होंने किया है। जब जेल में थे तो नहीं किए, बाहर निकलने के बाद इस्तीफा कर रहे हैं, तो इसका जो स्वस्ती लोकप्रियता है वो नहीं मिलेगा और आने वाला दिल्ली का चुनाव होगा उसमें पूरी उनकी पार्टी को जमानत जब्त होगा, एक भी सीट उनकी पार्टी जीत कर करके नहीं आएगी। का नाम सामने निकल के आ रहा जो अभी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री हैं, कई सारे विभाग हैं उनके पास, उनको मुख्यमंत्री बनाने। देखिए पूरी जो है से आप पार्टी ही भ्रष्टाचारी है जी। जो जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचारी हो, उसके मंत्री जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया भी उसमें दोषी हो, तो मैं तो कहता हूं कि पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचारी है, उसी के उपज है ये पूरी पार्टी। जो अपने आप को जो पार्टी कहती थी कि हम सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का लाभ नहीं लेंगे, आज जो है से जनता के पैसे को जनता के नाम पर धोखा देने का काम इन आप पार्टी के लोगों ने किया है। मैं तो कहूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं अभी जांच हो रही है, काम पूरा नहीं हुआ है, जो दोष जिनके ऊपर दोष अभी सामने साबित हुए हैं उन पर चार्जशीट हुआ है, लेकिन अभी बहुत लोग जो है उसमें जुड़ने वाले हैं। मैं तो कहूंगा कि जो नज़दीकी है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है से राज ये अतिशी केजरीवाल की जानती है, इसलिए जो है से उनको मुख्यमंत्री बना कर कर करके और उस राज को छुपाना चाहते हैं, वो भी जो है से जांच के दायरे में जांच के घेरे में आएगा और आने वाले समय में अतिशी को भी जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली घूमने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जनता से मिलने की बात कर रहे हैं, जाएं? मैं तो कराऊं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच में गए थे, 15 दिनों का बेल मिला था, उसी आधार पर कि दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव में प्रचार करेंगे, और घूम घूम करके उन्होंने अपने बेगुनाही को जो है से लोगों के बीच में रोना रोने का काम किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, उनकी बेगुनाही से मानने से मना कर दिया और इस बात को साबित कर दिया कि ये दोषी हैं। अब जितना घूमेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा, उतना ही उनको जो है से उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को लाभ। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, तेजस्वी यादव जासूसी करने का आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम घूम रहे हैं जगह जगह वहां पर जासूस भेजने का काम कर। देखिए तेजस्वी यादव की बोरिया बिस्तर बंद होने वाली है, उनको पता हो गया कि किस प्रकार से जो है से अब जनता का जो है से
हमारा जो है से विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया है। विधानसभा का चुनाव 2020 में सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। 2024 में लोकसभा के अंदर में एनडीए को पराजित करने के लिए एनडी गठबंधन तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है से एनडीए गठबंधन की बड़ी सफलता बिहार के अंदर में प्राप्त हुई है। तो अब उनको लग रहा है कि मेरे पास कुछ विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो कैसे कटघरे में खड़े करें, कैसे जो है से दोष साबित करें। तो इस प्रकार का झूठा आरोप मैं तो कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ा अगर धरती पर कोई झूठा व्यक्ति होगा और बिहार के अंदर में वो तेजस्वी यादव है जो सब 56 संपत्तियों का मालिक बन गया बिना कुछ किए हुए, अपने पिता और माता के कर्मों के कारण जो है से उनके अवैध संपत्तियों को अपने नाम कर करके छुपाने का काम किया, जिसका ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब जांच कर रही है। सारे जो है से संपत्तियों को कई सारे अटैच हुए हैं, बहुत सारे संपत्ति अभी भी जो है से उनके इतने सारे छुपे हुए हैं जिसकी जांच चल रही है, वो भी सब सामने आएगा। तो वो झूठा व्यक्ति जो है से रोज झूठ ही बोलता रहता है, जितना वो झूठ बोलेंगे उतना ही वो जो है से अपने आप को समाप्त करेंगे, बर्बाद करेंगे। देखिए, जितना तेजस्वी यादव झूठ बोलेंगे वो अपने आप को समाप्त करेंगे, बर्बाद करेंगे, और तेजस्वी यादव जैसा कोई झूठा व्यक्ति हो नहीं सकता है। देखा जाए तो हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल थे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वेल पर निकले हैं और कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाई जाने की बातें हो रही, इसको लेकर प्रेमरंजन पटेल जमकर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता जवाब देगी और कहीं ना कहीं जनता जानती है किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है। तो फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे सहयोगी विकास।